Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का message किसके लिए है, किस energy में है, किस तरह का है. ये एक short video होती है, अगर आप morning में देखें, जो कि Sunday को थोड़ी late होती है, तो आपके लिए guidance है. और अगर आप end of the day देखें, तो ये आपके लिए day reflection होगा. Message वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी situation से match करता हुआ. Tarot में ये messages आए हैं, सब अपने ऊपर impose मत कीजिएगा. ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है. कल बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी कि मैं शायद मैंने ये कहा है कि मैं रीडिंग्स जो हैं वो नहीं करूँगी रमज़ान में. मैं चैनल के ऊपर रीडिंग्स एज़ यूजल अपलोड करूँगी. मैं प्राइवेट रीडिंग्स शायद ना करूँ, शायद, क्योंकि रमज़ान का आपको पता है रूटीन बहुत ही पैक होता है. तो प्राइवेट रीडिंग जो मैं देती हूँ वो शायद मैं ना करूँ. आई एम नॉट श्योर, टाइम हुआ तो कर भी दूँगी, लेकिन चैनल पे मैं रीडिंग एज़ यूजुअल अपलोड करूँगी. ठीक है, चलिए जनाब, मैसेज ऑफ द डे. संडे फंडे है आज, बहुत सारे लोगों के लिए फंडे होता है, बहुत सारे लोगों के लिए स्लीप डे होता है, हम जैसों के लिए तो वर्किंग डे ही होता है बिकॉज बहुत सारे काम होते हैं. चलिए जनाब, मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे, द लवर्स वेरी नाइस. जेमिनाई, टेन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस एंड द सन. ऑल राइट, चलिए जी, आपकी चीज़ों का एंड हो रहा है. एंड बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ वॉन्ट्स को यहाँ रख देते हैं क्योंकि फिर कार्ड समझ में नहीं आएंगे. बॉटम ऑफ द डेक आपकी एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी आपकी टू ऑफ वॉन्ट्स की है. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं आप, अपने पार्टनर से दूर हैं और परेशान हैं बहुत ज़्यादा, और ये दूरी आपसे बेयर नहीं हो रही. ओवरऑल एनर्जी में मुझे लग रहा है आपके पर्सन की ज़्यादा आपकी फीलिंग है आपके लिए, और अब बांध जो है वो टूट रहा है. जिम्मेदारियाँ, डिस्टेंस, बातें, बीच में जो कुछ भी आ गई हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो गई हैं बिकॉज़ बहुत सारी दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दे दी गई और बहुत सारे अदर ऑप्शंस को टटोला गया. हर तरीके से कोशिश की गई कि किसी तरीके से इस बात के बारे में ना सोचा जाए जो कि सोलमेट कनेक्शन है. बट आप ओवरऑल एनर्जी में सैड नज़र आ रहे हैं. कल रात तक मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी काफ़ी डाउन रही है और आप ऑलमोस्ट किसी डिसीजन की तरफ है बिकॉज़ आप हाथ में जो है वो अपनी पूरी दुनिया, अपना पूरा माइंड, अपनी पूरे फैसले, अपनी तमाम सोचें लेकर खड़े हुए हैं. और आप बहुत दूर बैठ के, यानी दूर जियोग्राफिकल दूर भी हो सकता है और फिज़िकल दूरी भी हो सकती है, उस दूरी के हिसाब से आप बहुत हद तक इस बारे में सोच चुके हैं. एंड यू आर अबाउट टू मेक अ डिसीजन. आप विद द टू ऑफ वॉन्ट्स बिल्कुल क्लियर है कि आप बस अब फैसला कर चुके हैं कि ये दूरी है तो दूरी को सस्टेन कर दिया जाए, और ये दूरी है तो या तो इस दूरी को ख़त्म कर दिया जाए. समथिंग रिलेटेड टू द दूरी, समथिंग रिलेटेड टू द डिस्टेंस. ठीक है, ओवरऑल एनर्जी में आप कोई फैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं. आपका ये रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है और आप खामोशी से दूर से बैठकर अपने आप को लोगों से खोते हुए दिख रहे हैं. आप दूर से बैठकर अपने आप से लोगों को दूर खोते हुए देख रहे हैं, अपने आप को भी और लोगों को भी. और ये चीज़ आपको बहुत क्लियर कर रही है कि ठीक है, अब इस सिचुएशन के रहते हुए फैसला कर लो. ठीक है, नाउ कमिंग टू द रेगुलर मैसेजेस. आपको आपकी लव लाइफ मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है आज के मैसेज ऑफ द डे में. एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको अपने रिलेशनशिप, अपनी मोहब्बत, अपने पार्टनर, अपने स्पाउस, इससे लेकर जितने भी घाव, जितनी भी परेशानियाँ आज आपको मिली हैं, वो एक ऑटोमेटिकली किसी खुशी में कन्वर्ट होगा. आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, शायद आपके ऊपर ये रिवील हो जाएगा कि आपको बैकस्टेप जो किया गया उसके बाद क्या हुआ अगले के साथ, या जो लोग कर रहे थे, जो धोखा दे रहे थे, जो तकलीफ़ें दे रहे थे, जो परेशान कर रहे थे, अब ये चीज़ ख़त्म हुई और अब मेरी खुशी की बिगिनिंग हुई है. बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी लग सकता है जो लोग मैरिड हैं और वो लोग परेशानी में थे, स्ट्रगल में थे, डिस्टेंस में थे, गलत फहमियाँ बीच में आ गई थी और ऑफ अ सडन उनको पता चला है कि दे हैव कंसीव्ड. और सिचुएशन डिपेंड करती है बिकॉज सन कार्ड इज़ अ हैप्पीनेस कार्ड, सन कार्ड इज़ अ
एक ऐसा कार्ड होता है, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा मैसेज होता है जो बच्चे से रिलेटेड होती है. अब नॉट दैट नेसेसरी कि वो प्रेगनेंसी ही हो, आपके बच्चों में, आपके सिबलिंग में, आपकी फैमिली में कोई खुशी की खबर. फॉर एग्जांपल आप संडे को अचानक उठे और आपको पता चला कि भाई फैमिली में एक इन्हांसमेंट हुई, उनकी फैमिली बढ़ गई, अपग्रेड हो गई उनकी फैमिली, उनका बेबी हुआ है, इस तरह की चीज़ें. लेकिन मुझे ये ज़्यादातर पर्टिकुलरली ये मुझे आपके रिलेशनशिप की वाइब लग रही है. मैसेज ऑफ द डे में क्लियर है कि आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत अबैंडमेंट मिली है, आपने मोहब्बत में बहुत धोखा खाया है, आपने मोहब्बत में आपको बहुत चीट किया गया, आपको मोहब्बत में बहुत लेट डाउन फील कराया गया, आपको इस रिलेशनशिप में बहुत बैक स्टैबिंग हुई, इस रिलेशनशिप में बहुत गिव एंड टेक के बावजूद भी आपको तकलीफ़ ही मिली है. और आप रिसेंटली तो रिसेंट पास में तो काफ़ी परेशान ही होते हुए नज़र आए, फेड अप से हो गए हैं. लेकिन नाउ यू फील कि ओके फाइन, कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं कि उनके साथ रहना ही पड़ता है. ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में खुशी है, आज के दिन आपको खुशी महसूस होगी. आज आप अपनी एनर्जी में एटलीस्ट इन दो एनर्जीज, इन दो मैसेजेस के बाद ओवरऑल आप अपनी एनर्जी में खुशी महसूस करेंगे, एक इत्मीनान महसूस करेंगे. आपको लिटरली कोई गुड न्यूज़ मिलेगी विद द सन कार्ड, इट इज़ फॉर श्योर. अब हो सकता है कि वो गुड न्यूज़ ऐसी ना हो धमाकेदार किस्म की कि जैसे जैकपॉट लग गया, लेकिन रेगुलर रूटीन से हट के आपको कोई ऐसी न्यूज़ ज़रूर मिलेगी जिसमें खुश ही होना चाहिए. अभी आपका फ़ैसला हो सकता है जो आपको तस्कीन देगा, ये आपका डिस्टेंस हो सकता है जो आपको तस्कीन देगा. विद दिस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपके पार्टनर इस दूरी, इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए आपको कहें कि वो आ रहे हैं. बिग पॉसिबिलिटी है ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल नज़र नहीं आ रहा लेकिन दूर से रह के भी मामलात को सेटल कर रहे हैं बिकॉज नीचे टू ऑफ कप्स है. तो बिग पॉसिबिलिटी कि आपका यूनियन हो जाए आज किसी बात को लेकर, आप लोगों के दरमियान बातचीत हो और उस बातचीत के अंदर इस मसले का डिस्कशन हो कि जो कुछ आप दोनों ने एक साथ बेयर किया. ठीक है, तो मैसेज ऑफ द डे में ये चीज़ है. अब देखते हैं कि क्या इन्फ्लुएंस, क्या ज़ोडियक साइन, क्या एनर्जी, क्या नंबर, क्या ड्यूरेशन और क्या चाक्रा हीलिंग की तरफ से मैसेजेस हैं. लेट्स सी किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर आज, देख लेते हैं किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर आज. लेट्स सी किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है, किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है. जेमिनाई, डबल जेमिनाई आया है. आप खुद जेमिनाई हो सकते हैं, आप किसी, आपके पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं. सर्च फॉर एक्सचेंज, देख लीजिए मैंने कहा था ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपका डिसीजन भी हो सकता है. आप दूर से बैठकर किसी या दूर को दूर कर रहे हैं या दूर से बैठकर आपके अपने आप को दूर कर रहे हैं. सर्च फॉर एक्सचेंज, आप किसी जेमिनाई से लिटरली ये कह भी सकते हैं कि वो आपके साथ आपको सपोर्ट करें, आपको हेल्प करें कि आप अपनी एनर्जी को, अपनी सोच को, अपने डिसीजन को किसी के साथ शेयर कर सकें, अपनी थॉट को किसी के साथ एक्सचेंज कर सकें. आप अपनी राय को अपने पार्टनर के साथ एक्सचेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने डिसीजन को अपने पार्टनर के साथ एक्सचेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं. आप एनर्जी के एक्सचेंज में भी हो सकते हैं, जो आप फील कर रहे हैं वही आपके पर्सन भी फील कर रहे हो. इसीलिए यहाँ पे टू ऑफ कप्स और फिर टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि यूनियन में परेशानी, यूनियन में उलझन, काइंड ऑफ थिंग्स लाइक दैट. विद द जेमिनाई आपके ऊपर इन्फ्लुएंस रहेगा. तीन नंबर है, तीन नंबर है, तीन नंबर है. तीन दिन, तीन हफ्ते, तीन महीने, या तो आप इस प्रोग्रेशन या इस फेज़ में तीन महीने से हैं, या फिर मैक्सिमम आज से तीन हफ्ते बाद तक आपको ये गुड न्यूज़ रिवील हो सकती है. और ये गुड न्यूज़ एक प्रोसेस से गुजरेगी जिसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट इस दौर से गुजरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप धोखे से नहीं गुजरेंगे आप लेसन लर्न नहीं करेंगे, और ये लेसन आपके मोहब्बत और पार्टनरशिप से रिलेटेड ज़रूर है. ठीक है, अब अफर्मेशन चेक कर लेते हैं और एंजल नंबर से गाइडेंस ले लेते हैं. प्लीज़ गाइड मी, गाइडेंस ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे में किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, मैसेज ऑफ द डे में किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है. नंबर 15, ऑल राइट, आई एम वाइज. सो वट एवर, आप जो भी फैसला लें होशमंदी से लें, समझदारी से लें. ठीक है, नंबर 15 नंबर नोट कर लीजिएगा. और अफर्मेशन में आई एम वाइज, यानी कि मैं समझदार हूँ. Your love for others is powerful and you are able to spread your gift of support far and wide. देख लीजिए, far and wide. ये वैसे भी distance का card है,
और सन का कार्ड खुशी का है, मोहब्बत की बात है यहाँ पर. योर क्यूरियस एंड सोशल नेचर ब्रिंग्स यू इन कॉन्टैक्ट विद द वेराइटी ऑफ पीपल. ऑल हु वुड बेनिफिट फ्रॉम यू वॉर्म हार्टफेल्ट वर्ड्स ऑफ विजडम. काफ़ी दूर बैठ के भी आपका शायद कोई काम ऐसा है कि आप ऐसी समझदारी की और ऐसी अक्लमंदी की बात करते हैं कि आपकी जो गुफ्तगू का अंदाज़ है वो लोगों को आपकी तरफ लेकर आता है, और आपके अंदर है ये आदत बड़ी अच्छी कि आप क्यूरियोसिटी भी मेंटेन रखते हैं और अपनी सोशल नेचर की वजह से लोगों को अपनी तरफ पुल भी करते हैं. लेकिन आते आपके पास वही लोग हैं जो आपसे बॉन्ड और कनेक्टेड फील करते हैं. मोहब्बत तो आप सबके लिए ही रखते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, क्योंकि जो आपको जानता है, जो आपको समझता है, समझने वाला वर्ड ज़्यादा बेहतर होगा, जो आपको समझता है वही आपके लिए ये कर सकता है. ठीक है, सो आज की अफर्मेशन में आई एम वाइज. सो विद दीज कंक्लूडिंग वर्ड्स आज की अफर्मेशन, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी एंड आई एम वाइज. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.